हाँ तो बच्चों, डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब डेरिवेटिव से ही आगे अगर पढ़े तो एक चैप्टर दिया है न्यू सिलेबस में जो हमारा चल रहा है, वह है इंटरेस्ट रेट्स रिस्क मैनेजमेंट। पुराने सिलेबस में ना ये इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर ही फ्यूचर ऑप्शन था डेरिवेटिव, और उसी के अंदर था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। अब उसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है सर, बात समझ में आती है। आखिर ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही। हाँ, अब सुनने की कोशिश करना। जैसे आप बैंक जाते हो, बैंक से लोन लेने जाते हो, तो पता है, आपको पता नहीं होगा पर मैं आपको बता दूं, जो बैंक वाले हैं ना वो बोलते हैं कि आप जाओगे ना तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको जो लोन है वो कैसा चाहिए, फिक्स रेट पे चाहिए कि फ्लोटिंग पे चाहिए, समझना। मैंने कहा बैंक वाला ऑफर दो कर सकता है, या तो फिक्स रेट पर ऑफर कर सकता है या तो फिर फ्लोटिंग रेट्स पर ऑफर कर सकता है। सर, फिक्स रेट मतलब बता देगा कि देखो भाई, लोन लोगे तो आपको 10% 12% ये ब्याज पड़ेगा। दूसरा ये बता सकता है कि आप लोन तो लीजिए, फ्लोटिंग क्या होता। मैं बैंक से पूछूंगा भाई फ्लोटिंग क्या होता, फिक्स तो मेरे समझ में आता है, फ्लोटिंग क्या होता। फ्लोटिंग कहता है, बैंक कहेगा कि देखो आपका जो रेट है इंटरेस्ट का वो रहेगा लाइबोर प्लस 1%। हम कहेंगे मतलब समझाओ। बोले देखो लाइबोर, लाइबोर का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो ऐसा है, लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट्स। इसका मतलब है कि लाइबोर एक बेस रेट है और उस बेस रेट से 1% आपको ज्यादा देना पड़ेगा। और ये जो है खास बात ये है कि 3 3 माह के लिए रिसेट होता है। आज से 3 माह, 3 माह बाद लाइबोर का रेट चेंज होगा। मान लो आज लाइबोर है 5%, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 + 1। पर अगर अगले 3 महीने में ये रेट 8% हो जाएगा तो फिर देना पड़ेगा 8 + 1 9%। ठीक है, अब बताओ आप किस रेट पे लेना चाहते हैं। अब हम समझ नहीं पा रहे, फिक्स रेट में तो कोई इश्यू नहीं है, 10% देना पड़ेगा। फ्लोटिंग में दिक्कत है, फ्लोटिंग में दिक्कत है कि यार जैसे 3 3 माह के लाइबोर पे मैंने एंटर, इसका मतलब है आज तो ले लिया, 3 माह बाद अगर ये 15% हो गया तो मैं बर्बाद, मुझे तो बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। पर ऐसा भी हो सकता कि 3 माह बाद लाइबोर 5% हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस पर ले कि इस पर ले। ये वाला इश्यू नहीं है बेटे, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ इसी की, रिस्क तो इसी में, इसमें रिस्क कहेगा, रिस्क इसमें, और इसमें रिस्क है तो इस रिस्क से बचा जा सकता है क्या। अगर आप फ्लोटिंग रेट पे उधार लेते हो और आपको पता ही नहीं कि 3 महीने बाद क्या हो सकता, आपको किस बात का डर, सर बढ़ने का डर, कहीं बढ़ ना जाए, क्या इससे बचा जा सकता है। हाँ, अगर हमको इस पे इन्वेस्ट करना है इस रेट पर 3 महीने बाद, तो हमको किस बात का डर। सर डर इस बात का कहीं रेट कम ना हो जाए, यस, तो डर तो इसमें है। और इससे बचने के लिए अगर हमको कुछ काम करना है तो उसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट रेट्स रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। ठीक है सर, सर ये लाइबोर कैसे सेट होता है बेटे, ये तो बहुत सारी बैंक है, बहुत सारी हिस्ट्री है कि लंदन इंटर बैंक, इंटर बैंक का मतलब समझ, आपस में बैंक बहुत सारी बैंक होती है, एवरेज रेट निकलता 3 3 माह में, बहुत हिस्ट्री है। अब इस पर फोकस नहीं करोगे, ये सब डिटेल में मैं समझाते चलूंगा आपको धीरे धीरे। सर जैसे लाइबोर होता होगा, वैसे और भी तो रेट हो सकते। हाँ बेटे, लाइबोर बहुत ज्यादा चलन में है इसलिए लाइबोर चलता है, माइबोर भी होता है। अच्छा सर, माइबोर का फुल फॉर्म क्या होगा, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट्स, मुंबई। अच्छा, खास बात है ये डेली चेंज होता है, ये तो चलो ठीक है, तो 3 3 माह में रिसेट पीरियड है, ये डेली रिसेट होता है। मैं स्वैप वगैरह समझाऊंगा ना तब बात करूंगा। तो सर ऐसे नाइबोर भी चलता होगा, यस, न्यूयॉर्क इंटर बैंक ऑफर रेट, ऐसे बहुत सारे हैं। आप समझ लो कि लाइबोर माइबोर नाइबोर क्या चीज है, एक बेस रेट है बस, और कुछ नहीं।
ठीक है, और इससे बचने के लिए इसमें रिस्क है, और इस रिस्क को हेज कैसे किया जाता है इसके लिए चैप्टर बना हुआ है पूरा की पूरा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम टोटल कितने पार्ट में पढ़ेंगे? इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग वी विल डिस्कस दिस चैप्टर इन फॉलोइंग पार्ट्स। एक तो पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर वन, जिसका नाम रहेगा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। इसको प्यार से FRA बोला करते, FRA फॉरवर्डेड एग्रीमेंट। पार्ट नंबर टू एक आएगा बेटे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। पार्ट नंबर थ्री फाइनेंशियल स्वैप। पार्ट नंबर फोर इंटरेस्ट रेट्स कैप कॉलर एंड फ्लोर एंड लास्ट पार्ट पार्ट नंबर फाइव स्वैप वैल्यूएशन। बस छोटा सा चैप्टर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वन बाय वन ये सब तरीके हैं हैच करने के, या फिर समझ लो स्पेकुलेशन भी कर लोगे, कुछ भी, बहुत सारे तरीके हैं। आप स्पेकुलेशन करो, प्रॉफिट कमा रहे हो, आर्बिट्रेज कर लो, जो डेरिवेटिव में पढ़ा था वही सारे शब्द यूज हो गए। कि जैसे डेरिवेटिव को हैच करने के लिए भी आप यूज करते थे, स्पेकुलेशन के लिए भी यूज करते थे, और डेरिवेटिव से आर्बिट्रेज भी करते थे, वही सारी चीज़ें यहाँ होगी। हेजिंग के लिए भी, आर्बिट्रेज के लिए भी, स्पेकुलेशन के लिए भी, सब चीज़। तो पहले जो स्टार्ट करेंगे हम करेंगे यहां से पार्ट नंबर वन से फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो लिखोगे पार्ट नंबर वन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। हाँ जी, तो अब कर रहे हैं हम पार्ट नंबर वन। और इसका नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। अच्छा सर, ये क्या चीज़ है अब बताओ, आपको क्या लग रहा है फॉरवर्ड के मतलब से क्या समझ? फॉरवर्ड और एग्रीमेंट, बिल्कुल ध्यान से देखो, कौन कौन से दो शब्द? फॉरवर्ड एग्रीमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। किस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर? रेट पर। रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट। ठीक है सर, ये तो मीनिंग हुआ, और आगे समझते समझते बिल्कुल आराम से।
फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर रहे हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट पे। बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये ओवर द काउंटर होगा कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होगा? नाम से क्या लग रहा, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैसे होता, ओवर द काउंटर। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी बात करूँ सीधी सीधी, पहले बेसिक डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर पहला पॉइंट लिखा, पहला डॉट लगाए और यहां लिख रहा हूं, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट FRA मीन्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट्स, इट इज ओवर द काउंटर, जिसको हम क्या बोलते थे, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब समझो कि है क्या चीज, बिल्कुल ध्यान से। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यार रिस्क एक फिक्स रेट होता है और एक कौन सा होता है, फ्लोटिंग। अब समझो बेटे, मान लो एक पर्सन है, बिल्कुल ध्यान से समझना, राम। और राम जो है ना बेटे, राम राम को ना पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है सर, तो आज उधार लेगा और बैंक के पास गया और बैंक से बोला कि सुनो ना बैंक, मुझको पैसों की जरूरत है, पर पैसों की जरूरत आज नहीं, पैसों की जरूरत है आज से 3 महीने बाद, ये आज है, आज से 3 महीने बाद पैसों की आवश्यकता है, मुझे लोन चाहिए और ज्यादा पीरियड के लिए नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां से 6 मंथ के लिए लोन चाहिए। बैंक कहेगी कि ठीक है भाई, फिक्स रेट है एक फ्लोटिंग है, किससे लेना चाहोगे? मैं कहूंगा मैं फ्लोटिंग से लेना चाहता हूँ। बोले फ्लोटिंग से दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आज मैं बता सकता हूँ रेट क्या है, 3 महीने बाद रेट क्या होगा मैं नहीं बता सकता, तो आप आना 3 माह जो भी रेट होगा उस पे आप उधार ले लेना। मैंने कहा यार ये तो टेंशन है, आज अगर 10% है तो आप एक काम करो ना, 3 माह बाद मुझे 10% नहीं बोले, 3 माह बाद डिपेंड करता है कि लाइबोर क्या होगा, अगर वो रेट बढ़ेगा फ्लोटिंग पे रेट तो फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे लेना पड़ेगा। बोले अभी ले लो, मैंने कहा अभी तो मुझे जरूरत है ही नहीं, तो मैं क्यों लूं? अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे चिंता है, किस बात की चिंता है, टेंशन में हूँ, टेंशन इस बात का कि यार 3 माह बाद जब मैं पैसे लेने जाऊंगा बैंक तो कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, टेंशन में हूँ बेटे, करूँ तो क्या करूँ, किस बात का डर, रेट के बढ़ने का डर। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, वांट्स टू राम को उधार लेना है पैसे, कब उधार लेना है, आफ्टर 3 मंथ्स, आज उधार नहीं लेना, 3 महीने बाद उधार लेना, कितने पीरियड के लिए लेना, 6 महीने के लिए, बस 6 महीने तक पैसों की समस्या, उसके बाद पैसों की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो अब मैं गया बेटे किसी के पास, सर किसके पास गए, और एक बैंक ले लेते हैं, सर इसका नाम बताओगे, इसका नाम है FRA बैंक, अभी नाम लिख देता हूँ FRA बैंक, ये नॉर्मल बैंक है और कुछ नहीं है, जैसे सिटी बैंक वगैरह, SBI भी हो सकता है, नॉर्मल बैंक। मैं इस बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ कर सकते हो कि? बैंक कहता भैया रेट नहीं बढ़ेगा, मैंने कहा नहीं बढ़ गया तो? बोले ठीक है। बैंक कहता है कि देखो अगर बढ़ गया आप कितना परसेंट, बोले आप बता दो, बोले देखो आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझना, बुक की डेफिनेशन इतनी मुश्किल है कि समझाना बड़ा मुश्किल होता है, पर समझो बैंक बोल रही FRA बैंक कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहेगा कि अगर
3 माह बाद रेट 10% से ऊपर चला गया, मान लो 3 माह बाद रेट 10% से ऊपर चला गया, तो जो भी दिक्कत है, जो भी डिफरेंस है, हम आपको पे करेंगे। सपोज 3 माह बाद रेट हो गया 12%, तो बोले चिंता मत करो, आप यहां से लोन ले लेना 12 पे, और बोले जो एक्स्ट्रा जो 2% है ना, वो हम आपको पेमेंट कर देंगे, बात खत्म। मैंने कहा वाह यार कितना अच्छा, मुझे तो 2% मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब रेट बढ़ जाएगा, 10% से बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने कहा बाय चांस रेट कम हो गया, 8% हो गया, तो बोले साहब फिर 8% पे आप इधर से उधार ले लेना 3 माह बाद, पर राम आप इस बैंक को 2% दोगे। समझने की कोशिश करना बेटे, इसको किस बात का डर है? रेट बढ़ने का तो एटलीस्ट ना ये बैटिंग ही कर रहा है। कौन सा पोजीशन? रेट बढ़ने का, बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में राम को कब फायदा होगा? जब रेट वाकई बढ़ेगा। अगर रेट कम हुआ तो राम को लॉस हो जाएगा। और रेट कितने परसेंट से ज्यादा बढ़ना चाहिए? 10% से। एग्जाम में ये आएगा कि कौन किसको पेमेंट करेगा। बिल्कुल ध्यान से, सर अगर आज से 3 माह बाद रेट 14% हो गया तो बताओ बेटे कौन जीता? राम जीत गया, रेट बढ़ गया, 10 से ऊपर बढ़ गया ना, तो कितने परसेंट जीता? 4% से। तो FRA बैंक राम को पेमेंट कर देगा 4%। अगर रेट 7% हो गया तो अब की बार कौन जीत गया? FRA बैंक। और FRA बैंक ले जाएगा कितना? मुझसे ले जाएगा 3%। ठीक, अगर देखा जाए तो ये तो शर्त ही लगाया जाए, पर बुक की लैंग्वेज भी तो हमको समझना पड़ेगा। बुक में ऐसा नहीं लिखा है, बुक में ऐसा लिखा हुआ, समझ लो। अगर रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कितने पे हुआ? 10% पे। अगर रेट हुआ 12%, तो राम आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐसा लिखा है कि राम ने क्या किया, बाय किया FRA बाय किया, FRA बाय का मतलब उसने समझाया है कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, आपने FRA बैंक से बोरो करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। वो इसलिए ऐसा लिखा है कि अगर रेट 12% हो गया तो मैं फिर ये इस बैंक से बोरो नहीं करूंगा, मैं इस बैंक से उधार, मुझे तो चाहिए पैसे, मैं ज्यादा पे क्यों? जब आपने बोला कि 10%, तो मैं 10% पे, मैं बस बुक की लैंग्वेज समझाने की कोशिश, 10% से इस पे बोरो कर लूंगा, 10% पर। ठीक है, और सर इसके पास पैसा कहां से आएगा? उसको मजबूरी में यहां से बोरो करना पड़ेगा। कितने परसेंट पे? 12% पे। तो ये यहां से बोरो करेगा 12 और मुझे दे देगा 10, तो मेरा तो फायदा हो गया 2% का, और इस भाई साहब का लॉस हो गया 10% का। इसलिए ये लैंग्वेज लिखा कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट टू, अगर आपने FRA बाय किया है, हम किसी भी चीज को खरीदते हैं, मतलब हमें क्या लगता है रेट बढ़ने वाला है, इसलिए उसने बाय FRA का मतलब उसने बोला कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। अगर रेट हो गया 12%, तो हम यहां से क्यों बोरो करेंगे? हम यहीं से बोरो कर लेंगे। कितने परसेंट पे? 10, टेंशन खत्म। और ये बोरो करेगा FRA बैंक कितने परसेंट पे? 12। बुक की लैंग्वेज है ऐसी। ठीक है सर, अगर रेट हो गया मान लो 8%, तो भी कोई दिक्कत, कॉन्ट्रैक्ट है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको तो बोरो कितने पे करना पड़ेगा? 10 पे ही करना पड़ेगा। और ये इधर से बोरो कर लेगा कितने पे? 8 पे, तो मेरा तो लॉस हो गया और उसका फायदा हो गया। तो ये लैंग्वेज है। तो अगर मैं बोल रहा हूं मैंने बाय किया FRA कितने परसेंट पे बाय किया बेटे? 10% पे। तो इसके 2-3 मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, जरा सोचते हैं क्या है। मैंने बाय किया FRA का मतलब मैंने, मेरा लॉन्ग पोजीशन है, मुझे रेट बढ़ने से फायदा होगा, एक तो ये, और ये सबसे अच्छा, हम इसी से क्वेश्चन बनाने वाले। दूसरी इंटरप्रिटेशन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, हम उधार ले लेंगे, ये भी चल जाएगा, ये बुक की लैंग्वेज है कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो। ठीक है, बाकी बोरोइंग नहीं होगा, नेट सेटलमेंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, पर कभी कभी ऐसा लिखता है बैंक 8%, 10%। मैंने कहा अच्छा बैंक,
इसका मतलब ये दो दो रेट क्यों दिया? बोले बाय कर रहे हो का मतलब बोरो कर रहे हो, तो हम आपको 10% के हिसाब से उधार देंगे, पक्का बैंक बेचेगा कोई चीज तो महंगे में बेचेगा ना। मैंने कहा हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप सेल कर रहे हो तो कितने परसेंट के हिसाब से? 8%, क्योंकि एफआरए बैंक खरीदेगा तो सस्ते में ही खरीदेगा। ठीक है, और समझाने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे समझते बात को। फिर से एक बार लिया एफआरए बैंक, और ये पर्सन कौन है? राम। अब बेटे राम को ना, राम के पास ना पैसा आने वाला है। सर पैसा कब आने वाला है? पैसा आने वाला है 3 महीने बाद। ठीक है, और वो 3 माह बाद इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता है, और ज्यादा पीरियड के लिए नहीं, 6 मंथ के लिए, क्योंकि 6 माह बाद उस पैसों का उसको यूज करना है, सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है और फ्लोटिंग रेट पे इन्वेस्ट करना चाहता है। फ्लोटिंग, राम को किस बात का डर? सर राम को डर है कि कहीं रेट कम ना हो जाए। हाँ, तो एफआरए बैंक ने रेट दिया, बोले ठीक है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ये कौन सी बैंक है? एफआरए। कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट? बोले 8%, 10%। बोले समझाओ, बोले इतना समझ लो कि अगर रेट 8% से कम हो गया, मान लो 6% हो गया, तो चिंता मत करो, आप यहां जमा 6% पे करना, जो भी डिफरेंस है 2% हम आपको देंगे। ठीक है, अच्छा इसको बोला जाता है कि सेल एफआरए। सेल एफआरए मतलब शॉर्ट पोजीशन। राम को कब फायदा होगा? राम को जब रेट गिरेगा, क्योंकि इसको किस बात का डर है? इसको बात का डर है रेट के गिर जाने का डर। ठीक है, रेट के गिर जाने का डर। तो रेट अगर डाउन होगा तो राम को फायदा होगा, रेट अगर बढ़ेगा तो बैंक को फायदा हो जाएगा। बस जल्दी जल्दी मुझे बताते जाना, मैं रेट लिखते जाता हूँ। सर अगर रेट 5% हो गया 3 महीने बाद तो बेटे राम को फायदा। कितने का फायदा? 3% का। सर अगर रेट हो गया 10%, ओहो, तो फिर राम को लॉस हो जाएगा। और कितने परसेंट का? 2% का। कौन किसको देगा? राम एफआरए बैंक को देगा। समस्या बस इतनी है कि आपके बुक में लिखा है सेल एफआरए का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट, कि राम इन्वेस्ट कर देगा। बस ये लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो रेट हो गया 5%, तो क्या करेगा राम? ने कहा भैया मैंने आपके पास इन्वेस्ट करने की बात किया था, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा। कितने परसेंट पे इन्वेस्ट करूंगा? राम करेगा 8% पे, जबकि मार्केट में रेट कितना चल रहा? 5। राम को तो फायदा है, 3% का फायदा है। सर एफआरए बैंक क्या करेगा? उसने तो 8% पे पैसे लिया है बेटे, और उसको मजबूरी में कितने पे? 5 पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसको तो लॉस हो गया। जैसा डेरिवेटिव में था वैसा सब कुछ है, वही सह, वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सुनो, सुनोगे लिखा कैसा रहता, क्या लैंग्वेज रहती है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं किसी एफआरए बैंक ने, एफआरए बैंक ने रेट कोट किया है एफआरए 3x6=8%, 10%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भर समझने की कोशिश कर रहे। अगर इसका मतलब हमको समझ में आ गया तो टेंशन खत्म। इसका मतलब है थ्री का मतलब आज से 3 महीने बाद, इसको 9 कर देता हूं। थ्री का मतलब समझना, थ्री का मतलब कि आप आज से, आज ये आज से 3 महीने बाद आपको उधार मिल सकता है। कितने मंथ के लिए? या 9 है ना, तो ये पीरियड हो गया 6 महीने के लिए। तो यहां से 3 महीने बाद कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 3x9 का मतलब समझो, आज से 3 महीने बाद कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए आपको उधार मिल सकता है। कितने परसेंट पे? 10%। अगर आपको इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। कितने परसेंट पे? 8%। ठीक है, अब फिर से बोल रहा हूं, मुझे आंसर देते जाना।
अगर कोई कस्टमर, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एफआरए बाय करना है, बाय ये वाला एफआरए बाय करना, बाय करना मतलब बोरो मतलब लॉन्ग पोजीशन, तो अगर मुझे बाय करना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन हुआ कि हम एफआरए बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, कितना नोशनल अमाउंट होगा कुछ भी, क्योंकि ये बैटिंग ही है, कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, कब, आफ्टर 3 मंथ्स, कितने पीरियड के लिए, फॉर 6 मंथ, कितने परसेंट पे, 10% पे, ठीक। अगर मैं सेल कर रहा हूं एफआरए, सेल सेल कर रहा हूं, इसका मतलब सेल किया मैंने एफआरए 3x9, इसका मतलब हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एफआरए बैंक के साथ, कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट कितने मंथ के लिए, कितने मंथ बाद, 3 मंथ बाद, कितने पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, कितने परसेंट पे, 8% पे, ठीक है। मतलब अगर हम बाय करेंगे तो एफआरए बैंक हमको बेचेगा महंगे में, अगर हम सेल करेंगे, सेल तो एफआरए बैंक क्या करेगा, बाय करेगा सस्ते में। सिंपल सी बात है, एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम इन्वेस्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8%, अगर हम उधार लेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा, 10%। इस बात को और डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लिखते हुए काम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी बेटे, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, बस मुझे बता दे जाना मतलब क्या है। अगर लिखा है FRA 6x9, इसका मतलब हुआ आज से कितने माह बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी, या जो भी हो, आज से 6 महीने बाद, कितने पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा होता 6x12, तो पैसों की कब जरूरत है, आज से 6 महीने बाद, कितने पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से एक बार, 9x12, आज से पैसों की जरूरत कब है, आज नहीं है, आज से 9 महीने बाद है, कितने पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इस बात को लिखते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो अगला डॉट लगाएं, सपोज सिटी बैंक कोट्स FRA 3x9 इज इक्वल टू 10%, 10.5%। सिटी बैंक ने FRA कोट किया 10%, 10.5%, मीन्स इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग समझने के लिए सबसे पहले केस नंबर 1, कस्टमर बायस FRA 3x9, एट द रेट 10.5%, हम खरीदेंगे तो बैंक बेचेगा, बैंक बेचेगा तो महंगे में बेचेगा, कस्टमर बाय कर रहा है FRA 10 3x9 एट द रेट, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, क्या इसको इंटरप्रेट करें, इसका मतलब होगा कस्टमर हैज
कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, बाय बोरो। अ नोशनल सम, ये नोशनल क्यों बोल रहा हूँ अभी समझाऊंगा। नोशनल अमाउंट, नोशनल प्रिंसिपल, नोशनल अमाउंट। कस्टमर हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू बोरो, बाय का मतलब बोरो, यहाँ बाय शब्द लिखा है ना तो बोरो है। ठीक, अ नोशनल अमाउंट कितने परसेंट पे? एट द रेट 10.5% पर एन। कब उधार लोगे? आफ्टर 3 मंथ्स। कितने पीरियड के लिए? फॉर 6 मंथ। ये बुक की लैंग्वेज, जबकि हमारी लैंग्वेज क्या है? हमारी लैंग्वेज जो जिससे हम क्वेश्चन बनाएंगे, बाय का मतलब क्या होता है? लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब अपसाइड बेटिंग, कि रेट बढ़ेगा कितने परसेंट से ज्यादा बढ़ेगा, 10.5% से। इट मीन्स कस्टमर्स बैटिंग, दैट कस्टमर बैटिंग कर रहा था, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज कितना बढ़ेगा? मोर देन या ग्रेटर देन 10.5%। कब बढ़ेगा ये? आफ्टर 3 मंथ्स, फॉर 6 मंथ। सिंपल लैंग्वेज में अपसाइड बैटिंग बोल सकते हैं या फिर लॉन्ग पोजीशन बोल सकते हैं। क्यों लॉन्ग पोजीशन बोल सकते हैं? क्योंकि मैंने क्या लिखा है? बाय, बाय का मतलब लॉन्ग पोजीशन। रेट बढ़ेगा तो हमको फायदा हो जाएगा। इस इंटरप्रिटेशन का क्या यूज है वो मैं आपको पक्का समझाऊंगा। अगला केस नंबर टू क्या हो सकता है? केस नंबर टू, केस नंबर टू ये हो सकता है, कस्टमर सेल्स एफ आर ए 3×9 एट द रेट। सोच के देखो, कस्टमर बेचेगा तो बैंक खरीदेगा, खरीदेगा तो सस्ते में। कस्टमर सेल्स एफ आर ए 3×9 एट द रेट 10% पर एनम। सर इसका भी क्या इंटरप्रिटेशन? इसके भी दो हो गए, इंटरप्रिटेशन नंबर वन। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका मतलब हुआ कस्टमर हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू बोरो, नहीं आएगा अब की बार, क्या आएगा? इन्वेस्ट। कस्टमर कहता हम इन्वेस्ट कर देंगे कितने परसेंट पे? 10% पर एनम पर। ठीक है, कितना अमाउंट दिया रहेगा? नोशनल अमाउंट, नोशनल अमाउंट एट द रेट कितना परसेंट? 10%। सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट करोगे तो 10% मिलेगा, बोरो करोगे तो 10.5% पे आपको बोरो करना पड़ेगा। 10% पर एनम। कब कब इन्वेस्ट करोगे? आफ्टर 3 मंथ्स,
फॉर 6 months. एक तो इंटरप्रिटेशन ये हो गई, और एक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती और इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता, तो पॉइंट नंबर टू. दूसरा है सेल. सेल का मतलब क्या लगता है? शॉर्ट पोजीशन, मतलब प्राइस कम होगा तो फायदा, तो वही होगा. कस्टमर बैटिंग कर रहा है, कस्टमर बैटिंग दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल क्या होगा, गिरेगा, फॉल, कितना गिरेगा, लेस देन कितना परसेंट, 10% पर एनम, 10% से कम हो जाएगा, कब, आफ्टर 3 months, फॉर 6 months. सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूं क्या हो रहा है, डाउनसाइड बैटिंग. डाउनसाइड बैटिंग को हम और कौन सा पोजीशन बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन. शॉर्ट पोजीशन क्यों आया पिक्चर में, क्योंकि क्या शब्द लिखा है, सेल. हमारे लिए एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट, हमारे लिए एग्जाम्पल एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट टू बोरो, कॉन्ट्रैक्ट टू इन्वेस्ट किसी काम का नहीं. हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बाय कर रहे हो, FRA बाय कर रहे हो, इसका मतलब है सर हम अपसाइड बैटिंग कर रहे हैं इस रेट पर. अगर हम FRA सेल कर रहे हो, इसका मतलब हमको मालूम है कि रेट गिरेगा और हम बैटिंग कर रहे हैं कि रेट गिरेगा और गिरने से हमको फायदा हो जाएगा, कितने परसेंट पे, 10%, बस और कुछ नहीं है. ये सब बुक की लैंग्वेज जो मैंने लिखा है. अल्टीमेटली जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं है यार, ये बस टेक्निकल लैंग्वेज डाल दिया. FRA बाय किया मतलब बढ़ने से फायदा, 10.5% से बढ़ेगा तो फायदा. FRA सेल किया इसका मतलब गिरने से फायदा, रेट के गिरने से फायदा, 10% से गिरेगा तो फायदा. बस बाय और सेल ये शब्द आते हैं ना, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता. तो सर FRA में ये तो हो गई थ्योरी, FRA में हमें क्या करना, FRA का यूज दो एंगल से समझना. एक तो FRA से आप हेजिंग कर सकते हो, कैसे हेजिंग करोगे ये समझाऊंगा, हेजिंग विद द हेल्प ऑफ FRA, हेजिंग विद द हेल्प ऑफ. दूसरा समझाऊंगा आर्बिट्रेज विद द हेल्प ऑफ FRA. FRA का दो यूज, मुझे दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं. FRA से हेजिंग कैसे किया जाता है ये मुझे समझाना है, FRA से आर्बिट्रेज कैसे किया जाता है ये समझाना. इट मीन्स अगला डॉट लगाते हैं, FRA फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कैन बी यूज्ड किया जा सकता है फॉर हेजिंग या फिर फॉर आर्बिट्रेज. हेजर्स लोग कैसे यूज कर सकते हैं FRA का ये समझाना है, और आर्बिट्रेज में कैसे यूज किया जा सकता है ये भी समझाना है. इसके 2-3 क्वेश्चन है, इसके 1-2 क्वेश्चन है, साथ में मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे FRA, पहले पार्ट नंबर ए करेंगे FRA फॉर हेजर्स, और फिर करेंगे FRA फॉर आर्बिट्रेजर्स, खत्म हो जाएगा हमारा FRA. तो अब FRA में FRA फॉर हेजिंग्स, FRA फॉर हेजर्स बोल दो, और FRA फॉर आर्बिट्रेजर. तो पहले हम हेजर्स से कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर आर्बिट्रेज से क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे काम होगा.
तो ज्यादा अच्छा यार क्यों ना मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं, सपोज एक पर्सन का नाम लेता हूँ, मिस्टर राम। वांट्स टू बोरो, उधार चाहिए भाई उसको रुपीस 40 लाख। तो राम को पैसों की जरूरत है और राम को पैसे उधार चाहिए, 40 लाख चाहिए। लेकिन समस्या क्या, कब चाहिए? आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद चाहिए। कितने पीरियड के लिए? फर्स्ट 6 मंथ। आज से 3 महीने बाद चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए। कितना चाहिए? 40 लाख। तो क्या चिंता, राम को चिंता। और किस रेट पे चाहिए? फ्लोटिंग रेट पे। ठीक है, ये ना भी दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर राम को चिंता है कि 3 महीने बाद कहीं रेट बढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे। करंट इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम। अभी रेट चल रहा है 9% पर एनम। ये मेरे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, याद रखना। क्योंकि आज से तो मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है मुझे राम को उधार कब लेना है। राम को उधार लेना है आज से, कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। अब एक ऑफर है, सिटी बैंक कोट्स FRA 3x9 इज इक्वल टू 10%, 11%। तो सिटी बैंक कहती है कि ठीक है राम, आप एक काम करो, आप चाहो तो हमसे FRA खरीद सकते हो। मतलब मैं समझाऊंगा कि सिटी बैंक कह रही है कि सुनो राम, सिंपल सी बैंक, राम को बोरो करना है। तो सिटी बैंक कह रही है कि अगर राम, अगर आपको उधार लेना, अगर 3 माह बाद रेट बढ़ जाता है तो जो भी डिफरेंस है ना हम आपको दे देंगे। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले यहां पूरी लैंग्वेज लिख दूं। राम बाय 22 FRA 3x9 एट द रेट 11% पर एनम। सिटी बैंक ने ऑफर कोट किया तो राम तो खरीदेगा, मतलब सिटी बैंक बेचेगी। कितने परसेंट पे बेचेगी? महंगे में 11% पे। आगे क्वेश्चन ये रहेगा, कैलकुलेट इफेक्ट ऑन FRA एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 मंथ्स फॉर 6 मंथ्स इज केस नंबर 1 13% पर एन। केस नंबर 2
8% पर एनम। एग्जाम में दो चीजें पूछता है, क्या क्या पूछेगा? एक तो इफेक्ट ऑन एफआरए और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इसको ध्यान से समझना कि क्या सिचुएशन है, क्या होना है, कैसे होना है। सुनोगे बेटे, ये कौन है? राम। ठीक है, राम को पैसे कब चाहिए? ये है आज। पैसे आज नहीं चाहिए, पैसे चाहिए 3 महीने बाद। कौन सी बैंक से चाहिए? इस बैंक से। ठीक है, और कितने पीरियड के लिए चाहिए? इसको चाहिए 6 महीने के लिए, 6 months, 6 महीने के लिए चाहिए। अच्छा, अब राम को किस बात का डर है? कहीं, मैं तो यहां खड़ा है, राम तो यहां खड़ा है, तो इसको किस बात का डर है कि 3 महीने बाद ये वाली जो बैंक है ये कहीं रेट ना बढ़ा दे? और रेट बढ़ भी सकता है, अगर फ्लोटिंग रेट है तो पक्का यार चेंज हो सकता। तो राम ने किसी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कौन सी बैंक है? एफआरए बैंक, जिसका मैं क्या बोल रहा हूँ, सिटी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक, और सिटी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कितने परसेंट पे कॉन्ट्रैक्ट किया? 11%। राम ने क्या किया? बाय किया एफआरए, कितने परसेंट पे? 11% पे। सर इसका मतलब अब समझाओ। हाँ बेटे, अब ध्यान से समझना है। एफआरए बैंक बोलती है कि सुनो राम, चिंता मत करो, अगर बाय चांस यहां रेट, आपको लग रहा है ना, अगर यहां रेट बढ़ जाता है, मान लो 15% हो जाता है, तो चिंता मत करो, आप यहां से 15% पे उधार ले लेना। राम कहता हूँ वाह कैसे ले लेना यार, मेरा तो लॉस करवा दिए, मैं तो 11% बोला था, आप 15% बोले, 15% पे उधार ले लो यहां से, डिफरेंस आपको कितना ज्यादा दिल लग रहा? बोले मुझको तो 4% ज्यादा लग रहा। बोले 4% हम आपको देंगे राम, ठीक है ना, आपको लॉस रो कितने परसेंट के लिए रहा? आप 4% के लिए रो रहे हो ना, तो चिंता मत करो, हम आपको 4% दे देंगे, टेंशन खत्म। तो आपको तो 11% पड़ा ना भाई, आप यहां से उठा लो 15% पे पैसा, कोई दिक्कत नहीं, और हमसे डिफरेंस ले लेना 4%, बात खत्म। बिल्कुल, और सोच के देखो यार, राम ने बाई किया मतलब लॉन्ग पोजीशन, 11 से ऊपर बढ़ गया, कितना हो गया? 15, तो राम को फायदा होगा, कितने परसेंट का फायदा होगा? 4% का। और बोले अगर रेट 8% हो गया तो सुनो राम, फिर क्या करना, आप यहां से 8% पे पैसे उधार ले लेना, वो तो मैं लूंगा ही। राम तो कहेगा वाह मैं तो 8% पे लूंगा लूंगा, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको कितने का फायदा हो गया? 3% का ना, 3% आप हमको दे देना। इसका मतलब दूसरा, राम का कौन सा पोजीशन है? लॉन्ग। बढ़ेगा तो फायदा होना था, पर रेट तो गिर गया तो राम को लॉस हो जाएगा, कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? 3% का। इस कंडीशन में राम सिटी बैंक को डिफरेंस अमाउंट दे देगा, या तो राम को डिफरेंस मिलेगा या तो राम को डिफरेंस देना पड़ेगा। इसी को बोला जाएगा जाएगा इफेक्ट ऑन एफआरए। एफआरए का इफेक्ट बताइए, बात को समझा? बिल्कुल सिंपल है, बाय है मतलब लॉन्ग पोजिशन, अगर रेट 11 से ऊपर जाएगा तो राम को फायदा, 11 से नीचे जाएगा तो राम को लॉस हो जाएगा। ठीक है, बस आपको वही बताना है इफेक्ट ऑन एफआरए क्या होता। बुक में ये लैंग्वेज है कि अगर रेट हो गया 15% तो भाई सीधी सी बात है, राम उठाएगा 15% पे पैसा, 15 पर, और राम परेशान है कि कहीं 15 क्यों हो गया, तो जो डिफरेंस होगा वो सिटी बैंक राम को दे देगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आज से 3 महीने बाद रेट क्या हो गया। केस नंबर वन, केस नंबर वन, रेट कितना हो गया? रेट हो गया 13% पर एनम, 13% हो गया रेट। अब किसको फायदा? सर राम को फायदा 2% का बिल्कुल दिख रहा है, ये तो
राम को तो 2% का फायदा है। हाँ लेकिन यार कौन किसको देगा पैसे? राम को तो फायदा होने वाला है, तो सिटी बैंक राम को दे देंगी 2%। किसका? 40 लाख। ठीक है जान सर, 40 लाख क्या ये उधार लेगा? बेटे वो सब बुक की लैंग्वेज है, कोई उधार उधार नहीं लेगा, नोशनल प्रिंसिपल है बस। उधार तो वो यहां से लेने वाला है जो भी हो। अब समझना कि यार क्या क्या होगा, जरा सोचते कौन पहले बताओ किसको फायदा होने वाला है। सर राम को फायदा होने वाला है, या फायदा ना भी समझो राम को कौन पेमेंट करेगा? सिटी बैंक पेमेंट करेगी राम को। कितना % पेमेंट करेगी? 2%। किसका? 40 लाख का। कितने मंथ का? 6 महीने का। समझना ठीक से अब मैं जो बोलने जा रहा हूं। अभी तो यहां हो गए हैं। पहला क्या पूछा मैंने? दो चीजें बताना, इफेक्ट ऑन एफआरए एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला मैं लिख रहा हूं, इफेक्ट ऑन एफआरए। एफआरए का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एफआरए का इफेक्ट पड़ेगा, कि सिटी बैंक विल पे टू राम डिफरेंस अमाउंट। जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो सिटी बैंक राम को पेमेंट कर देगा। अब कितना पेमेंट करेगा अमाउंट? अब बस यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात। 3 महीने बाद राम गया इस बैंक से, बोल रहा भैया बैंक बताओ ना रेट क्या हो गया। राम बैंक बोल रही 13% हो गया। राम कहते ओहो मेरा तो लॉस हो गया, 13% का लॉस हो गया। अब सिटी बैंक बोलती है चिंता मत करो राम, हम देंगे आपको। कितना % देंगे? 2%। तो राम कहता ठीक है जी दे दो मुझे, मेरा जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट वो दे दो। तो राम कहता चलो बताओ आपको कितने का लॉस हो रहा है। तो बोले आप देना मुझे 40 लाख का। कितना % डिफरेंस? 2%। 40 लाख का 2% कितना होता है? और कितने मंथ का? बोले आप उधार तो 6 ही माह ले रहे, तो भैया 6 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले लो हमसे, पूरे साल भर का लोगे क्या? 6 महीने का। तो 40 40 लाख का 2% इंटू 6 6 बाय 12। तो ये बोल रहा है साहब आप हमको बस 40,000 रुपये दे दो, बात खत्म। कौन पैसे मांग रहा है 40,000 रुपये? राम मांग रहा है। किससे मांग रहा है? सिटी बैंक से, कि भैया सिटी बैंक सुनो 40,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि देखो हमको तो इधर 13 देना पड़ा और आपने बोला था 11 से ऊपर अगर जाएगा तो हम देंगे पैसे, तो चलो दे दो भाई 40,000 इंटरेस्ट दे दो। अब सवाल एक ही है, पैसा कब देगी सिटी बैंक? रेट तो यही पता लग गया, तो यहां देगी कि पीरियड होने के बाद देगी? पैसा कब दिया जाएगा? नो डाउट ये बैंक देगी, पैसा कब देगी? यहां पैसा मिलेगा राम को, इधर से जो डिफरेंस है कि यहां मिलेगा। राम कहता कि सुनो सिटी बैंक एक बात बताओ, रेट कब पता लगा कि 13% हो गया? यही पता लग गया जिस दिन मैं लोन लेने गया, तो चलो फटाफट से मुझको दे दो 40,000 रुपये, आज ही दे दो ना भाई, बात का क्यों झंझट खत्म करो। सिटी बैंक बोलती है सुनो राम ऐसा नहीं है, हम आपको इंटरेस्ट जो डिफरेंस देंगे वो आज क्यों देंगे? क्योंकि इस बैंक को तो आप पूरे जो पीरियड खत्म होगा उसके बाद वापस करोगे ना इंटरेस्ट, तो हम आज क्यों दे दे भाई आपको? हम आपको देंगे 6 महीने बाद। राम कहता अभी दे दो मुझे डिफरेंस अमाउंट 40,000, और सिटी बैंक कहती हम आज क्यों देंगे? क्योंकि आप राम इस बैंक से उधार ले रहे हो। बोले हाँ, और इस बैंक को वापस कब करोगे पैसा? आज से 6 महीने बाद करोगे ना, यहां से 6 महीने बाद, तो हम आपको अभी थोड़ी नहीं देंगे इंटरेस्ट, हम जो 40,000 देंगे वो यहां देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि कब दिया जाए, यहां दे दे कि यहां देंगे। हाँ नो डाउट कि सिटी बैंक राम को पेमेंट करेगी,
और कितना पेमेंट करेगी? 40,000। पर बस यहां पेमेंट होगा कि यहां होगा? वैसे तो यही पेमेंट होना चाहिए लॉजिकली, पर एक और बीच का रास्ता, बीच का रास्ता ये है। सिटी बैंक बोलती है, राम पक्का हम आपको, चलो यही पेमेंट करेंगे, पर सुनो 40,000 नहीं करेंगे, हम आपको करेंगे 40,000 का प्रेजेंट वैल्यू। सीधी सी बात, 40,000 यहां देने थे पर हम यहां दे रहे हैं, तो हम 40,000 का प्रेजेंट वैल्यू आपको पेमेंट करने को तैयार है, आप यही ले लो। इसका मतलब राम को जो मिलेगा वो मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस, ठीक है? और सर डिस्काउंटिंग किस रेट से करोगे? यहां रेट कितना हो गया? 13%। तो 13% जो रेट हो जाएगा उससे डिस्काउंटिंग हो जाएगा, ठीक है? तो कभी भी जो सेटलमेंट अमाउंट होगा वो नेट सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? तो वो इस तरह से निकाला जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट सेटलमेंट अमाउंट, कितने रुपए का लोन है? 40 लाख। कितना परसेंट डिफरेंस मिलेगा? 2%। कितने महीने का? 6 महीने का। डिवाइडेड बाय 13% का आधा कितना होता? 6 महीने का लेना पड़ेगा ना यार, 6.5%, 1.065 निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। 40 लाख का 2% इंटू 6/12, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.065, तो बेटे कितना मिलेगा? 3,758.68। ये देगी कौन? देगी सिटी बैंक। किसको देगी? राम को। कब पेमेंट होगा? आज ही पेमेंट हो जाएगा जिस दिन रेट पता करेगा। बस तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि कौन किसको पेमेंट करेगा। ये आप आराम से कर सकते हो। 11% से ऊपर गया, बाई किया 11% से ऊपर, तो सिटी बैंक राम को, एफआरए बैंक राम को पेमेंट कर देगी डिफरेंस अमाउंट। पर डिफरेंस नहीं लेना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है, दूसरा इफेक्ट ऑन एफआरए के अलावा और क्या आता है एग्जाम में? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कि आखिर राम को ये पैसे उधार लेने से 40 लाख पे कितना ब्याज लगा? तो लॉजिकली अगर देखो तो सुनो बेटे मेरी बात को यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना कि कैसे काम है हो रहा। ये उधार लेगी? हाँ सर। कितना रुपया उधार लिया जाएगा? सर रामना 40 लाख रुपए उधार लेगा, इससे एक्चुअल में कितने परसेंट पे? 13%, ठीक है? 40 लाख का सर इसका नाम लिख देते हैं क्या? यस, इसको बोरिंग बैंक, बैंक ए करके नाम दे देता हूँ। बैंक ए, बैंक ए को हम पेमेंट करेंगे कितना? 40 लाख का। कितना? 13%। कितने महीने का? 6 महीने का हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 40 लाख का 13% इंटू 6/12, तो बेटे 2,60,000 का पेमेंट हो रहा है। 2,60,000 हमारे जेब से जाएगा, पर कुछ इधर से मिल भी तो गया है। कितना मिला है हमको? हमको मिला है 3,758.68 मिला है, पर ये कब मिला है? आज। तो इसको हम इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, मान के चल रहा हूँ बोरिंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट एक ही है, तो हम इसको इन्वेस्ट करेंगे कितने? 6 महीने के लिए 1.065। आप समझदार हो, 1.065 आंसर उतना ही आ जाएगा। कितना? 40,000। बात वही है यार घुमा फिरा के।
हमको जो पैसा आज इधर से मिला उसको इन्वेस्ट भी तो करोगे, और इन्वेस्ट करने पे हमारे पास 40,000 आ जाएगा। तो अब हम सोच रहे हैं यार हमको 6 महीने बाद यहाँ देना कितना पड़ रहा है, 260, हालांकि हमें इधर से कितना मिल गया है, 40। तो जो मिला इतना है पर उसको हमने इन्वेस्ट भी तो कर दिया, तो टोटल 40 हो गया। तो 260,000, 260,000 माइनस 40,000, तो हमारे जेब से कितना गया, हमारे जेब से गया 2,20,000। कितने पे गया, 40 लाख पे। तो परसेंटेज पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाय 40 लाख, तो ये आ गया 5.5% इंटू 100 करके, पर ये तो 6 महीने का है, तो पर एनम बेसिस पे इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6, तो बेटे हमको इफेक्टिव कितना पड़ा, 11% पड़ा, और 11 ही आएगा किसी भी हालत में। पर इसको इस तरह से नहीं किया जाता है, इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकलता है। इंटरेस्ट पैड टू, इंटरेस्ट पैड टू, कौन सी बैंक को इंटरेस्ट पैड करोगे, लेंडिंग बैंक जिससे हम पैसा उधार ले रहे हैं, बैंक ए, मैंने बैंक ए नाम लिखा, कितना परसेंट देंगे हम लोग, 13%, और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सिटी बैंक, सिटी बैंक मतलब एफआरए बैंक, एफआरए बैंक से हमको मिला कितना परसेंट मिल गया, 2%, तो हमारा कॉस्ट कितना पड़ा, 11%। दिस इज इफेक्टिव कॉस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको अमाउंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा 11% पे बुकिंग हो गई कि यार हमको तो 11% ही कॉस्ट पड़ेगा, 13% इधर देंगे पर 2% इधर से मिल जाएगा। तो ये था केस नंबर 1, अगर रेट कितना हो जाए, अगर रेट हो जाए 13%। अभी कर रहे हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2, अगर रेट कितना हो जाए, अगर रेट हो जाए 8% आज से 3 महीने बाद, तो फिर क्या होगा, चलो देखते। 8% हो जाए तो वैसे तो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया है, सर हमने क्या किया है, हमने बाय किया एफआरए, कितने परसेंट पे, 11% पे, तो 11% से ऊपर होगा, 11% से ऊपर होगा तो फायदा, पर हुआ कितना, 8%, तो हमको तो लॉस हो जाएगा। पर फिर भी इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से, वही सिचुएशन है राम, इसने कहा था कि हम उधार ले लेंगे, कब उधार लेना है बेटे, आज से 3 महीने बाद, एफआरए बैंक बोलते ठीक है चिंता मत करो राम, अगर रेट बढ़ा तो हम देंगे 11%, पर किस्मत से रेट कितना हो गया, 8% हो गया। अब कौन किसको पेमेंट करेगा, अब बेटे राम यहां से उधार लेगा कितना परसेंट पे, 8% पे, और ऐसा नहीं तो राम का टेंशन खत्म, राम कहेगा कि मुझको तो सिर्फ 8 ही देना है, तो एफआरए सिटी बैंक बोलेगी भैया 8 नहीं देना, इसका नाम क्या बैंक है, और इसका नाम क्या एफआरए बैंक। तो अब सुनो, एफआरए बैंक बोलती है सुनो राम 8% इधर दो और 3% आप अब हमको वापस करो, क्योंकि आप बोल रहे थे रेट बढ़ेगा पर रेट तो कम है तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, आप हमको देंगे 3%, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला इफेक्ट ऑन एफआरए, इफेक्ट ऑन एफआरए का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन किसको पेमेंट करेगा, तो राम, क्योंकि राम तो हार गया 11% से नीचे चला गया जबकि वो बोल रहा था 11% से ऊपर, तो यहां जाएगा राम
विल पे टू एफआरए का इफेक्ट बोलेगा ना, तो बस इतना बताना इन दोनों का जो नेट सेटलमेंट हो रहा है, एफ राम विल पे टू सिटी बैंक, और क्या पे करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस इंटरेस्ट अमाउंट। तो चेक कर लेते नेट सेटलमेंट कितना रहा, नेट सेटलमेंट अमाउंट कितने का लोन था, 40 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा, 11% और 8%, कितना परसेंट डिफरेंस, 3%। कितने महीने का, 6 महीने का, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। कब होगा बताओ राम, कब पेमेंट करेगा, आज ही पेमेंट करेगा क्योंकि आज ही इंटरेस्ट का रेट पता लग गया। डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से करने पड़ेगा, जो आज का रेट है 8% के हिसाब से डिस्काउंटिंग करोगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 1.04 महीने का। तो देख लेते कितना अमाउंट आ रहा है, 40 लाख का 3% इंटू 6/12 डिवाइडेड बाय 1.04। तो आंसर आ गया बेटे 57692.31। एक तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा क्या पूछेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको भी दो तरीके से बनाते हैं, एक तो राम इधर भी देगा 8% और इधर भी देगा, कितना डिफरेंस देगा, 3%। तो इंटरेस्ट पेड टू बैंक ए 8%, इधर देना पड़ेगा 8%, और इसके अलावा डिफरेंस अमाउंट या इंटरेस्ट पेड टू सिटी बैंक, क्योंकि इस बार सिटी बैंक जीत गई ना यार, कितना परसेंट डिफरेंस देना पड़ेगा, 3%। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना पड़ेगा, इफेक्टिव 11% ही पड़ेगा कैसे भी कर लो, या तो फिर अगर अमाउंट में बोलेगा तो हम अमाउंट में भी बता सकते हैं कि कितना कितना आएगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से फिर मैं आपको समझाऊंगा, ये तो अभी एग्जांपल करवा रहा हूं। तो दो चीजें पूछेगा, वो दो चीजें आपको बताना पड़ेगा, निकाल कर बताना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल लिया था मैंने कि राम को क्या करना था, उधार लेना था। अब एक एग्जांपल और कर लेते कि राम को आज से 3 माह बाद इन्वेस्ट करना है, तो उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट होगा ये मैं आपको समझाऊंगा अगले एग्जांपल। हाँ, तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। वो दोनों एग्जांपल ना एग्जाम में रिवीजन कर लेना सफिशियंट है आपके लिए। एग्जांपल नंबर टू, मिस्टर राम वांट्स टू इन्वेस्ट, अब की बार इन्वेस्ट करना, सर कितना रुपए, 50 लाख। सर कितना इन्वेस्ट करना, अच्छा इन्वेस्ट कब करना, आफ्टर 6 मंथ, आज से 6 महीने बाद। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। तो बताओ बेटे राम के पास ना पैसा आने वाला है आज नहीं, आज से 6 महीने बाद कहीं से आने वाला है, और उस पैसों की उसको 3 महीने तक कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करे 3 महीने के लिए, इन्वेस्ट क्यों ना कर दे। पर एक दिक्कत है, अगर बैंक गया आज तो अच्छा खासा रेट चल रहा है, पर 6 महीने बाद जब बैंक गया और बैंक में रेट
कम हो गया तो राम तो परेशान यार कि यार काश मैं ज्यादा कमा लेता। ठीक है, तो राम को किस बात का डर, कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना हो जाए। करंट इंटरेस्ट रेट दे भी दूं मैं तो वो कोई काम पड़ेगा नहीं। तो अब एक बात, सिटी बैंक, कोट्स, FRA 6x9, 6x9 का मतलब आज से 6 महीने बाद, 3 महीने के लिए। आठ परसेंट 10%, ठीक है। अब राम क्या करेगा, राम क्या चाहेगा, राम सर राम ना शॉर्ट पोजीशन लेगा, बस वही बात है जो डेरिवेटिव में पढ़ा, जिस बात का डर उसी में क्यों ना बैटिंग करें। तो राम सेल्स FRA 6x9 एट द रेट, राम बेचेगा तो बैंक क्या करेगा, खरीदेगा बाय, तो बैंक जो खरीदेगा वो तो कम रेट पे खरीदेगा ना। राम सेल्स FRA 6x9 एट द रेट 8% पर है। अब आपसे क्या बोलेगा, कैलकुलेट, इफेक्ट ऑन FRA एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ, अगर 6 माह बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, कितने पीरियड के लिए, फॉर 3 मंथ्स। केस नंबर वन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है फाइव परसेंट पर एन, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 9% पर एन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं केस नंबर वन की, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। फिर वही सिचुएशन, ये राम, इसको इन्वेस्ट कब करना है, आज से 6 महीने बाद। सर इसका नाम क्या है, बैंक ये ले लेते हैं। कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना, 3 महीने के लिए, 3 महीने, और इन्वेस्ट करना है तो राम तो चाहेगा रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और पर ठीक है ज़्यादा कम भी तो मत हो। FRA बैंक बोलती चलो मैं गारंटी देती हूँ, अगर रेट कम हुआ ना, कितने परसेंट से, 8% से, 8% से अगर कम हुआ ना इधर, तो सिटी बैंक बोलती राम हम आपको पेमेंट करेंगे, सिटी बैंक, ठीक है। और रेट कितना हो गया, रेट हो गया 5%, राम की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि राम का कौन सा पोजीशन था, राम ने सेल किया था शॉर्ट पोजीशन। तो अब इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब सिटी बैंक देगी किसको, राम को, कितना परसेंट देगी, 8% से नीचे, और हो कितना गया, 5, तो 3% देगी। तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, सबसे पहला काम क्या आएगा, इफेक्ट ऑन FRA, पहला डॉट, इफेक्ट ऑन FRA, रेट वाकई कम हो गया तो कौन पेमेंट करेगा, सिटी बैंक,
विल पे टू राम कितना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस अमाउंट, तो नेट सेटलमेंट अमाउंट निकाल देते हैं, नेट सेटलमेंट अमाउंट। बताओ बेटे कितने का लोन था? 50 लाख रुपए का, 50 लाख का लोन। कितना डिफरेंस मिलेगा? 3%। कितने महीने का बेटे? यही वाला डिफरेंस दिया जाएगा, 3 महीने का, 3/12 डिवाइडेड बाय। अब आपको डिस्काउंटिंग करना, तो डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से होगा? याद रखना डिस्काउंटिंग होगा यहाँ जो रेट हो गए और यहाँ रेट कितना हो गया, 5%। और कितने माह पहले लेना पड़ेगा आपको? 3 महीने पहले मिल रहा ना, 3 महीने का फैक्टर लेना पड़ेगा, मतलब फैक्टर आ जाएगा 5 × 3/12 / 100+1 1.0125। फैक्टर आएगा 1.0125। 50 लाख × 3% × 3/12 / MR = तो डिफरेंस अमाउंट आ गया 3703.03। दूसरा क्या पूछेगा? दूसरा पूछेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सोच के देखो बेटे, राम इधर जमा करेगा तो 5% मिलेगा, और इधर से भी मिलेगा सिटी बैंक से कितना मिलेगा? 3। तो अब देखते इफेक्ट ऑन एफआरए में क्या होगा, बाकी कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूं, एग्जाम में आपको यही लिखना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए कितना परसेंट मिलेगा साहब? 5%, क्योंकि रेट तो 5% ही चल रहा है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एफआरए बैंक मतलब सिटी बैंक, और उधर से डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 3%। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 8%। ठीक है, अब क्या जाएगा? अब लिखोगे केस नंबर 2, और केस नंबर 2 में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 9%, और यहां जमा करने पे ये वाली बैंक ए बोलती है कि हम 9% देंगे, राम की खुशी का ठिकाना नहीं, राम को इधर से कितना ब्याज मिलेगा? 9। पर बात कितने की हुई थी? 8। इस बैंक ने बोली थी सिटी बैंक ने कि सुनो राम, अगर रेट 8% से नीचे चला गया तो हम आपको देंगे। राम कहता नहीं चाहिए, मुझे तो 9 मिल रहा है। तो बोले राम खुश होने की बात नहीं है, इधर से आप 9 लीजिए, कोई शक नहीं, पर हमको आप 1% ट्रांसफर कर दीजिए, बात खत्म। इट मींस कि राम ने कौन सा पोजीशन था? शॉर्ट पोजीशन। 8% से नीचे जाता तो फायदा, पर कितना हो गया? 9, तो राम को तो अब लॉस हो जाएगा। कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? 1% का। तो सीधा सीधा लिखते पहला इफेक्ट ऑन एफआरए, कौन किसको पेमेंट करेगा? अब की बार राम हार गया है, तो राम विल पे टू सिटी बैंक। देखो इफेक्ट बोलेगा ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। अगर बोलेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर बताओ इधर से आएगा इधर से जाएगा, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। इफेक्ट बोलेगा तो सिर्फ जिस जिसके बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा ना, उसके बीच का बताना पड़ेगा आपको। तो यहां जाएगा कौन पे करेगा? राम, मिस्टर राम विल पे टू
किसको पे करेगा बेटे? एफआरए बैंक, मतलब सिटी बैंक। और कितना पे करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंस सीधा सीधा निकाल लो यहां, कितना पे करेगा? कितने का लोन था सर? 50 लाख। कितना डिफरेंस आ रहा है? 8% और 1% का डिफरेंस आ रहा है। एक कैसे आया मालूम है ना? 9 हो गया जबकि 8 पे बात हुई थी, तो 1% मिल जाएगा। कितने पीरियड का? 3 मंथ का, 3/12। डिस्काउंटिंग कितने परसेंट से? 9% से। और कितने माह पीछे मिल रहा है आपको पैसे? आपको तो 3 महीने पहले मिल रहा ना, तो 3%, तो 9 × 3/12 / 100 + 1, तो ये आ गया बेटे 0.0225। तो देख लेते कितना आ रहा है। 50 लाख × 1% × 3/12 / 1.0225, तो डिफरेंस आ गया 12224.94, 12224.94 ले लेते। एक तो ये पूछेगा, दूसरा क्या पूछना? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज ये पूछेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर से कितना मिलेगा? 9 इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए, 9%। इधर से 9 मिला पर इधर हमको 1 देना पड़ा। इंटरेस्ट या डिफरेंस पेड टू सिटी बैंक कितना देना पड़ा? 1%। तो नेट कॉस्ट कितना पड़ा मुझे? 8% ही पड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आपको इस तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो दो ही चीज है, बाय किया एफआरए, बाय किया मतलब अपसाइड बैटिंग, तो रेट बढ़ेगा तो एफआरए बैंक मुझे पेमेंट कर देगी। अगर मैंने सेल किया मतलब डाउनसाइड बैटिंग, तो रेट कम होगा तो मुझे डिफरेंस मिलेगा, और अगर अपोजिट हो गया तो फिर मुझे देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कर लेते हैं बस, बात दो तीन क्वेश्चन हो गए, देख लेते कौन कौन से। सबकी सब प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है ज्यादातर ना, हम पूरा की पूरा 100% प्रैक्टिस मैनुअल कवर कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं।